हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डॉग इंक्वायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने जो मशीन ली थी उससे 2 साल पहले, इनकी अपने डॉग के लिए ली थी ना ट्रिमिंग मशीन, तो उसका मैं थोड़ा सा रिव्यू करने वाला हूँ कि भाई 2 साल बाद अब क्या कंडीशन है उसकी और वो क्या वर्क करती है या नहीं करती है। तो उसी के रिगार्डिंग में मेरी वीडियो है छोटी सी। तो चलिए मैं पहले अपनी मशीन दिखाता हूँ और फिर इसका थोड़ा आपको रिव्यू। मशीन का बॉक्स जो भी आज भी मेरे पास है, तो मैं सबसे पहले आपको मशीन बता देता हूँ। ये कोडॉक्स की मशीन है और जो मेरे पास इसका वेरिएंट है ये CP9600 का है मेरे पास, ठीक है। और प्रोफेशनल यूज़ है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई आप अपने सिर्फ एक सिंगल डॉग पे, आप कहीं भी यूज़ मतलब किसी भी डॉग पे प्रोफेशनल काम में भी ला सकते हैं। तो मशीन की कंडीशन बताऊँ, मशीन की कंडीशन एकदम ओके है और रनिंग कंडीशन है अभी भी इसकी। ये देखिए, शायद आप देख पा रहे हैं, देखो ये हिल रहा है ब्लेड, ये देखिए चल रहा है। और बैटरी अभी मैंने चार्ज नहीं की हुई, तो ये 14 मिनट का इसका बैकअप दिखा रहा है। अवेलेबल टाइम देखिए, शायद आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मिनट शो करता है। तो ये करीबन 120 मिनट के आसपास चलती है। ये जब पूरे साल भर जाएंगे ना, तो यहाँ तक पूरा वाइट हो जाएगा और इसके बाद फिर ये करीबन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा इजीली चल जाती है। अब बात करता हूँ इसकी मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस में कुछ नहीं है, ये पहले मैं आपको बाकी सामान दिखा देता हूँ क्या मिला था। सबसे पहले तो इसका चार्जर था जो मेरे पास अभी भी है, और कुछ ये इसके ऊपर के ब्लेड मिले थे। इनका वर्क कुछ नहीं होता है, इनका वर्क कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए शो के लिए समझ लिए, क्योंकि जब आप अपने डॉग को ट्रिम करते हैं ना, तो आपको 0 नंबर या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक मारना पड़ता है, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं जब चलाता हूँ, मैं सिर्फ सिंपल इसी को लगा के डायरेक्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, देखिए ये पॉइंट दिए हुए हैं ना, ये वाले देखिए, शायद दिख रहा है। तो यहाँ से आप कम ये स्विच करेंगे, कम ज़्यादा, और बिल्कुल अगर मैं इसको बिल्कुल लास्ट पे कर दिया ना सब, तो बिल्कुल छोटे काटेगा, बिल्कुल छोटे, स्किन साफ दिखेगी डॉग की। अगर थोड़ा सा मैं इसको पीछे लूँगा तो जो है फिर थोड़ा सा बाल रह जाएगा, बिल्कुल हल्के बाल रहेंगे। तो इसी से मैं मेरा काम चल जाता है, ठीक है। और बात करता हूँ अब इसके, ये ब्रश आता है और एक ऑयल की छोटी सी सीसी थी, वो फ़िलहाल ख़त्म हो गई। तो अभी जो है इसका मैं बताता हूँ क्या आता है। देखिए ये ब्लेड अलग रखा हुआ है इसमें, ये ब्लेड था इसका ये वाला, ये मेरे फ्रेंड के पास ब्लेड था, वो उसने ब्लेड मंगाया होगा तो उसका अभी ब्लेड ख़राब हो गया था, तो मेरे पास मैं ले आया था, क्योंकि मेरा दोस्त तो कुछ दिन के लिए ना मेरे से मशीन लेके गया था। तो ये उसका ख़राब ब्लेड है और ये इसी मशीन का ओरिजिनल ब्लेड है, लेकिन अब ये काम थोड़ा कम कर रहा है। मेरे एक फ्रेंड ने वीडियो में कमेंट किया था कि भैया कुछ मेंटेनेंस वगैरह है क्या। जी हाँ, मेंटेनेंस है। जब भी आप अपने डॉग के बाल ट्रिम करें ना, ट्रिम करने के बाद ये खुल जाता है, ये जो पोर्शन है ये बाहर निकल जाता है। बाहर कैसे निकल जाता है, आप यहाँ पे ब्लेड को हाथ रखना और पुश करना, ये ब्लेड सारा बाहर निकल जाएगा। देखिए निकल गया बाहर, ये खाली हो गई, ये बिल्कुल खाली हो गई, और ये आपका जो ब्लेड है ये ब्लेड निकल के बाहर आ गया। ये देखिए अभी थोड़े से हेयर होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये साफ़ कर लूँगा मैं। तो ये पूरा ब्लेड बाहर आ गया, कुछ नहीं है, सिर्फ आप इसको बस जब भी आप मशीन यूज़ करें तो यहाँ ब्लेड पे ना ऑयल डाल दें, ऑयल डाल के तब उसको रनिंग करें, क्योंकि आप मशीन को सूखी चलाएंगे तो तब आपकी मशीन ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ब्लेड तो ख़राब होता ही है, ब्लेड ख़राब होता है, क्योंकि मैंने कम से कम, ज़्यादा नहीं कहूँगा, काफ़ी टाइम मैंने अपने डॉग के बाल इससे ही काटे हैं, और मेरे फ्रेंड भी ले गया था, उसके पास भी काफ़ी टाइम रही है, उसके पास तो 10 से 15 डॉग थे तब भी यूज़ रहा, लेकिन अभी ब्लेड थोड़ा ख़राब हो गया है। ख़राब कैसे हुआ, ये एक साइड से काम कर रहा है, एक साइड से काम नहीं कर रहा है, यानी कि एक तरफ से बाल काट रहा है, दूसरी तरफ से बाल अब नहीं काट रहा है, पकड़ रहा है। तो अभी जितना टाइम तक ये रनिंग में रहेगा, मैं चला रहा हूँ, उसके बाद इसमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ आप ये ब्लेड लीजिएगा। ये ब्लेड अब जो है थोड़ा महंगे हो गया कॉस्ट, जब अभी लॉकडाउन से पहले जो इसकी ब्लेड की प्राइस थी वो फ्लिपकार्ट मिल रहा था 1200 रुपये के समथिंग का। अब जो ये मेरे ख्याल से, मैंने लास्ट टाइम चेक किया था अभी हाल फिलहाल में, तो 1700 रुपये के समथिंग था, यानी कि 1700 रुपये के आसपास ये ब्लेड था। लेकिन ब्लेड जो है ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है,
अब मैं देख लीजिए, मैंने मेरे 2 साल हो गए मुझे, 2 साल में मैंने अपने डॉग के भी बाल काटे और मेरा फ्रेंड भी लेके गया, उसने भी पूरा सीजन बाल अपने डॉग के करे, ट्रिम करे, तो अब भी ये रनिंग में कंडीशन में है। तो अगर मैं बात कहूँ इसकी रेटिंग की, तो रेटिंग भाई 5 out of 5 है। देखिए अभी भी अगर सिंगल खाली चलाऊंगा तो देखिए ये मोटर घूम रहा है, खाली में भी घूम रहा है, तो ये रनिंग कंडीशन है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर हाँ, अगर आपने इसे टाइम पे चार्ज कर रखा है, थोड़ा चलाने से पहले ऑयल डाल रहे हैं, तो तब ये सही है। इसकी बैटरी भी जितनी अभी भी चल, बैकअप भी उतना ही है जितना शुरू स्टार्टिंग में था और जितना अब भी था। अब बात करता हूँ देखो इसकी प्राइस की, ये पहले आपको मैं मॉडल दिखा देता हूँ। मॉडल है ये हमारा 9600। बहुत से लोगों ने कहा कि भैया इससे भी कुछ कुछ कम रेंज में हमारे मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आपको लेना है आप कोडोस कंपनी की ले लीजिए। इसके अलावा शायद एक मॉडल आता है CP8500, वो भी प्रोफेशनल यूज़ है और उसका प्राइस इससे कम है। अब जब मैंने ली थी मैंने 4700 के समथिंग की मुझे पड़ी थी, लेकिन आज इसका प्राइस 5000 से भी ज़्यादा हो चुका है लॉकडाउन से पहले। तो मैंने इसको जब लॉकडाउन लगा था ना स्टार्टिंग में, मैंने तब मंगाई थी ये वाली, तो अब जो है प्राइस का 5000 से ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा कम बजट में देखना चाह रहे हैं तो आप कोडोस कंपनी की लीजिएगा, और उस पर जो मॉडल है शायद उससे छोटा मॉडल आएगा, शायद CP8500 भी आ सकता है या 9000 के उससे भी रहेगा, तो वो भी आप ले सकते हो। कंपनी की अगर रेटिंग की बात करूँ तो भाई 5 out of 5 है और प्रोफेशनल इस पर लिखा हुआ ही है, और इसमें कुछ मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इजीली अपना ब्लेड को जब भी आप अपना डॉग के हेयर काटें, ब्लेड ऐसे ही निकालें जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया था, तभी वैसे ही ब्लेड निकालें और उसको साफ ब्रश से बाल साफ करके दोबारा लगा के तब उसमें फिर अपना ऑयल वगैरह डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप मेरी सी थोड़ी वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी क्वेश्चन कमेंट करीज हो तो मेरे से वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको खुद वहीं से ही रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।